नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों आप सभी को बताए किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डब फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यूपीडीटी 2021 के लिए 44 पेज का विज्ञापन जारी हो गया है, जिसमें तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। आपकी परीक्षा को पैटर्न के बारे में, किस प्रकार का आपका पैटर्न होगा, क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन से छात्र बाहर हुए हैं, 50% की अनिवार्य को लेकर 5% की छूट, नेगेटिव मार्किंग और भी तमाम जानकारी आप सभी को इसके अंदर मिलने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी सबसे पहले हमेशा की तरह आपको ऑनलाइन डफर्स फ्री चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये यूपीडीटी आप सभी का डिसाइड करेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ में जूनियर शिक्षक भर्ती में आपके लिए एक सीट। अगर आपने यहाँ पर यूपीडीटी क्वालिफाई कर लिया तो नई प्राथमिक और साथ में जूनियर भर्ती जब भी आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें आपकी जो एक सीट है वो सिक्योर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूपीटीटी 2021 प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर वन और पेपर टू क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आ चुकी है बेस्ट बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन आप सभी इन बुक्स को बाई कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। इन बुक्स को तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है, आपके सिलेबस, आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। अभी काफी समय, अगर आप अभी सही समय से अपने समय को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, अच्छी बुक्स के साथ प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बार यूपीटीटी आपका 100% क्वालिफाई होगा। तो यूपीटीटी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बेस्ट बुक स्पेशली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है, इन बुक्स की खास बात यह है कि इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी बाय करें। स्क्रीन पर आप इन बेस्ट बुक के सैंपल भी देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी। ये बुक्स सभी सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, पेपर वन और पेपर टू के लिए। सभी सब्जेक्ट की आप जो बुक है बाय कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देरी किस बात की, अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक के साथ में, जो कि तैयार की गई यूपीटीटी 2021 के लिए। इन बुक्स को आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन जैसे अमेजोन से, ज्यादा जानकारी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नया शासन आदेश देखने के लिए मिलेगा, जो कि यूपीटीटी 2021 के लिए जारी किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी नई जानकारियां हैं। बदलाव को लेकर आप सभी को जानकारी मिलेगी, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं यूपीटीटी को लेकर। इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें आपको बताया गया था कि आगामी समय के अंदर आपकी किस तारीख को क्या क्या होने वाला है, लेकिन इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है, जो कि लगभग 43 पेजेस का है। मैं आप सभी को बता दूं तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे अनुभाग 4 से जारी किया गया है। उनका कहना है कि भाई पहले आपने यहाँ पे परीक्षा को लेकर मांगा था, लेकिन हमारे माध्यम से कोई आदेश नहीं दिया गया। अब ऐसे में जो आदेश है वो दे दिया गया यूपीटीटी करवाने के लिए। संशोधित दिशा निर्देश आप सभी के सामने हैं, उसी क्रम में पृष्ठभूमि आप सभी के सामने आ जाती है, लेकिन जो मेन चीज़ें हम उसको कवर करेंगे। आप सभी को बताया कि परीक्षा का जो आयोजन करवाया जाएगा पीएनपी के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से, उसी क्रम में अगर हम बात करें संक्षिप्त नाम को लेकर यूपीटीईटी, इसमें कोई संशय किसी को होना नहीं चाहिए क्या नाम है। साथ ही आप सभी को एक और जानकारी दे दूँ, इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि ये जो नोटिफिकेशन है यह शासन आदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। कल भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके अंदर कोई सिग्नेचर नहीं थे, तो छात्रों के मन में सवाल भी देखने के लिए मिल रहे थे। तो चलिए मेन चीज़ों पर आप सभी के सामने आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है परीक्षा की अवधि के बारे में। उनका कहना है कि आपकी जो परीक्षा होगी 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। परीक्षा के समस्त जो प्रश्न आप सभी के होंगे बहुविकल्प भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 4 विकल्प होने वाले हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग को लेकर, इस बार नहीं होने वाली नेगेटिव मार्किंग, स्पष्ट शब्दों में जानकारी दे दी गई है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग को लेकर छात्रों के मन में सवाल हुआ करता था, तो उनके माध्यम से बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होने वाली है। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 1 साल में 1 बार परीक्षा आप सभी के आयोजन करवाना है, कई बार तो 1 बार भी देखने के लिए नहीं मिल पाती है। तो आवेदन के बारे में जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं, साथ ही आपकी पात्रता के बारे में उनका कहना है कि यूपीटीटी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित आप सभी के पास में जो पात्रता है वो होनी चाहिए 1-5 के लिए। पात्र आवेदन के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ आप सभी के सामने आती है कि बीटीसी अभ्यर्थी आप सभी को बताएं जो कि डीलेड वाले होते हैं, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा साथ में उत्तीर्ण अभ्यर्थी। मतलब जैसा कि कल मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाकर के बताया था, जिसमें आपको मैंने जानकारी दी थी कि अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, साथ में जिन्होंने पूरा कर लिया है बीटीसी और डीलेड वाले वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में पहली पात्रता हो जाती है,
इसी के साथ दूसरी पात्रता आप सभी को देखने के लिए मिलेगी अगर हम बात करें विधि द्वारा स्थापित यूजीसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बीटीसी के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। साथ में अगर हम बात करें नीचे आप सभी के सामने डीएड को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए ये अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इन्होंने कहीं ना कहीं जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो होना चाहिए। अंतिम वर्ष वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब जो अपीयरिंग वाले होते हैं वो भी आवेदन करेंगे। साथ ही इसके अंदर और भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है जो कि होती है बीएड वाले छात्रों के लिए। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी को लेकर उनका कहना है कि विश्वविद्यालय अगर बात करें महाविद्यालय में न्यूनतम 50% आप सभी के पास में होने चाहिए स्नातक में, अथवा परस्नातक के अंदर आप सभी के पास में होंगे तब भी चलेगा। मतलब या तो अगर आप ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन से 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर बीएड के साथ आवेदन कर सकते हैं टीईटी के लिए। ऐसा यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर भी 50% की अनिवार्यता लगा दी गई है। छूट को लेकर भी मैं आगे आप सभी को बताऊंगा कितनी छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में और साथ में जो अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी या फिर जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी मतलब उत्तीर्ण कर चुके हैं सॉरी, वो सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड वाले छात्रों के लिए योग्यता को लेकर एक बार फिर से आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 50% आप सभी के जो अंक हैं वो होने चाहिए स्नातक के अंदर या फिर ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके पास में है तो, और साथ में अगर आपने कंप्लीट किया या फिर नहीं किया है अंतिम वर्ष में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब सवाल देखने के लिए मिलता है छूट को लेकर कि कितनी छूट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने और भी जानकारियां हैं। जैसा कि आप सभी यहां पर देखेंगे अगर हम बात करें विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक अथवा परस्नातक साथ में शिक्षा शास्त्र बीएड अगर आपने किया है, इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए जो भी कहीं के एनसीटी के माध्यम से जो अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो साथ ही जानकारी आप सभी को नीचे और भी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आप सभी के सामने होगी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता पर विशिष्ट बीटीसी को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिलती है, तो विशिष्ट बीटीसी वाले छात्र भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू के साथ में विशिष्ट प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। सभी के अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलता है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर है मतलब लास्ट में अगर आप हैं तो आप लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि इनमें से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है जितने इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप कुछ भी करके बैठे हुए हैं या फिर करने वाले हैं अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी टीईटी को लेकर यहाँ पे जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। साथ में और भी जानकारी आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर है, लेकिन नीचे अगर हम देखें न्यूनतम 50% अंकों के साथ में अगर आपने इंटरमीडिएट किया है इसके समकक्ष या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक अगर बात करें शिक्षा शास्त्र के अंदर आपने बीएड किया है तो उसके भी अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और जो पास हो चुके हैं वो तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे भी 50% की आपको जो मान्यता है वो मांगी गई है, मतलब अनिवार्यता रखी गई है 50% को लेकर। ऊपर भी आपने देखा बीएड वालों के लिए। अब यहाँ पे आप सभी के सामने और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी जो कि यहाँ पे होगी 6 to 8 के लिए। देखो सिंपल शब्दों में मैं समझा दूँ, जो यहाँ 1 to 5 के लिए होते हैं वही 6 to 8 के लिए वैलिड होते हैं, चाहे आपने बीएड किया है चाहे आपने बीटीसी किया है चाहे अगर आपने अगर बात करें जो बीएड वाले छात्र हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। कोई अलग अहाता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन जो सेम चीज़ होगी 50% की वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि बीएड के साथ में लिखी हुई है। मतलब जो 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वही 6 to 8 के लिए करेंगे। इसमें NIUSC डीलेट करने वाले छात्रों के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है सरकार के माध्यम से। अभी तक NIUSC डीलेट करने वाले छात्रों को आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना गया है, लेकिन ऐसे में सवाल देखने के लिए मिलता है 6.3 के अंदर जो कि टिप्पणी के तौर पर आपको बताया जाता है अनुसूचित जनजाति जाति को लेकर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में विशेष आरक्षण के बारे में जानकारी है कि इन सभी अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी। मतलब यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो रखी गई है उसके अंदर आपको 5% की छूट मिलने वाली है। अगर आप SC ST से हैं या विशेष आरक्षण से हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC की बात की गई है, तो उन सभी को यहाँ पे जो 5% की छूट है वो आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो 50% की अनिवार्यता देखने के लिए मिल रही थी उसके अंदर उनका कहना है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो कि आप सभी ने ऊपर देखी है उसके अंदर आप सभी
भी जो छूट है वो देखने के लिए मिल जाएगी लगभग 5% की। तो ऐसे में 45% वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिली, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो सूचना है वो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट फ्री चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में यूपीटीईटी की विषय वस्तु को लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें एक नंबर आप सभी का होगा नकारात्मक को लेकर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली यूपीटीईटी के अंदर। साथ में अगर बात करें पहले पेपर के अंदर, उनका कहना है कि 1-5 तक आप शिक्षक बनने के लिए आप सभी अनिवार्य हैं। साथ में अगर बात करें सेकंड पेपर को लेकर 6-8 के लिए आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। साथ में ऐसे व्यक्ति जो 1-5 और साथ में 6-8 के लिए आवेदन करेंगे उनको पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होना पड़ेगा। एक ही सेंटर पर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएंगी, अलग अलग समय पर देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में यहाँ पर उनका कहना है कि 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, लगभग 150 मिनटों की संरचना साथ में विषय वस्तु को लेकर अनिवार्य आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है कि बाल विकास आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 अंक आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप पहले से जानते होंगे। जो पहली बार दे रहे होंगे उनको भी शायद ये चीज़ें पता होंगी कि 30 नंबर की आपकी भाषा आने वाली, साथ में आपकी जो भी चयन करेंगे आप उर्दू में से, संस्कृत में से, अंग्रेजी में से और गणित और साथ में पर्यावरण अध्ययन आपकी अनिवार्य होने वाली है। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंक आने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग चीज़ों को ध्यान में रखना। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप सभी के सामने होगी पेपर 2 को लेकर। इसमें भी लगभग सेम रहेगा, हिंदी इसमें भी अनिवार्य रहने वाली है, साथ में अंग्रेजी अथवा उर्दू संस्कृत में से कोई भी आप चुन सकते हैं, गणित विज्ञान साथ में सामाजिक में से आप जिसमें देना चाहें उसमें दे सकते हैं। यहाँ पर आपको चयन देखने के लिए मिलेगा, उसी के आधार पर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में ये तो तमाम जानकारी हो जाती है। तो ऐसे में इस नोटिफिकेशन के अंदर लगभग सारी जानकारी आप सभी के लिए बता दी गई है। जब आप कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर लेने जाएंगे प्रमाण पत्र, तो उसके बारे में आपको बताएगा क्या क्या आप सभी के पास में चलेगा, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, है ना। जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बता भी दिया जाएगा। उसी क्रम में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली, जो कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे। साथ ही अगर हम बात करें आपकी योग्यता को लेकर, बता दिया गया है कौन कौन आवेदन करेंगे। 50% की अनिवार्यता के अंदर 5% की छूट मिलने वाली है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 क्वेश्चन होगी, 150 नंबर आप सभी से पूछे जाएंगे और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जिसको आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अब बात आती है फीस को लेकर, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा परीक्षा के बारे में, जो कि अगर हम बात करें आप सभी यहाँ नीचे देखने के लिए मिल जाएगी डिटेल के अंदर। नीचे जाते हैं थोड़ा सा और, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी के सामने सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल जाती है। यूपीटीईटी को लेकर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 600 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे और दोनों पेपर के आपसे 1200 रुपये लिए जाएंगे। और साथ में अगर आप आते हैं विकलांग श्रेणी से तो आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे, दोनों पेपर के 200 होंगे। अनुसूचित जनजाति, साथ में अगर बात करें SC ST वाले छात्रों के लिए 400 रुपये एक पेपर के, 2 पेपर के 800 रुपये आप सभी को देने पड़ेंगे। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप लोगों के आवेदन करने के संबंध में, कैसे आप सभी को आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप सभी को याद रखना है बहुत ही कम समय आप सभी को दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो गलतियां तो बिल्कुल मत करना, संशोधन का मौका सरकार नहीं देती है। उसी क्रम में और भी जानकारी आप सभी के सामने होगी, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। लेकिन जो मेन चीज़ें वो आप सभी को यहाँ पर बताई जा, साथ ही 24 और 25 पे लिखा है कि परीक्षा फल के बारे में आप सभी को बताया कि OMR पे आप सभी का जो मूल्यांकन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसी के अनुसार आपकी यहाँ से चीज़ें स्पष्ट होंगी। साथ ही UPTT अपनी OMR शीट उत्तर कुंजी स्कैन को भी परीक्षा फल घोषित होने के लिए 1 वर्ष के भीतर 1000 रुपये देकर यहाँ पर देख भी सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि हमें नंबर कम तो नहीं दिए गए, उसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। कानूनी अधिकार क्षेत्र UPTT के आयोजन को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अब आप सभी के सामने जो सिलेबस है वो आ जाता है UPTET को लेकर, जो कि बाल विकास के बारे में है, क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा। तो सिलेबस को लेकर मैं अलग से आप सभी के सामने एक बार वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके। बात करें परीक्षा केंद्रों के कोड, आप सभी के सामने आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर आप सभी की जो परीक्षा वो होने वाली है, जिसके बारे में आप लोग चूज़ करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो इसमें से कोई एक आप सभी चूज़ करेंगे, मतलब 3 को करेंगे और 3 में से किसी एक पर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हो जाता है, जो कि आप सभी के सामने UPTET को लेकर। जैसा कि स्टार्टिंग बताया कि इसके अंदर सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसी क्रम में आप सभी के सामने UPTET को लेकर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।